This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक के अंदर हम वेबटेल को स्टार्ट करना सीखेंगे कि हम कैसे वेबटेल को स्टार्ट करें और हमें स्टार्टिंग में किन किन प्रोसीजरों को फॉलो करना है। जैसे आप अगर वेबटेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वेब ई टी डी एस इस बटन पर क्लिक कर इसको ऑन करेंगे। जैसे आप ये ऑन होगा तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैसेज आएगा वेबटेल कि जो कंपनी का नेम है वो आपको हेड टॉप पर मिलेगा। उसके बाद इसकी एक सीडी आती है और दूसरी आपको एक्टिवेशन की आती है। अगर आपके पास दोनों हो तो आप यहाँ दोनों पुट कर दीजिए, उसके बाद आप ये रजिस्टर हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास ना तो सीडी की है और ना ही एक्टिवेशन की है, तो हम इन दोनों को स्किप कर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा हुआ रन डेमो, इस बटन पर क्लिक कीजिए, आपका रन हो जाएगा। जैसे रन होगा सबसे पहले पूछा जाएगा इंस्टॉल बाय एग्जीक्यूटिव या कस्टमर। अगर आप कस्टमर तो कस्टमर पर क्लिक करें और अपनी जो भी नाम है वो टाइप करें। जैसे मेरा नाम शाहरुख है तो मैं आज शाहरुख टाइप कर दूंगा, ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो भी होगा मैं वो टाइप कर दूंगा, ठीक है। मेरा एड्रेस जो भी एड्रेस होगा वो टाइप कर दूंगा, ठीक है। क्या आप पुराने कस्टमर हैं या न्यू? मैंने बोला न्यू, मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हूँ, पुराना कस्टमर नहीं हूँ। मेरी जो भी मोबाइल नंबर होगा वो टाइप कर दूंगा, मेरा फोन नंबर होगा तो डालूंगा, मेरी ईमेल आईडी कंपनी की जो भी होगी मैं वो टाइप कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, यूजिंग कंपनी प्रोडक्ट कौन सा आप वेब टैक्स ये ऑन करना चाहते हैं और इसको कर दीजिए सेट। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा डू यू वॉन्ट टू रिस्टोर एनी बैकअप। मैंने कहा आपके कोई बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं? मैंने कहा नो। नो कंपनी अवेलेबल, डू यू वॉन्ट टू क्रिएट कंपनी? मैंने कहा यस। जैसे क्रिएट करूंगा सबसे पहले मेरी यहाँ पर कंपनी का नेम आएगा, जो भी मेरी कंपनी का नेम होगा वो, जैसे मेरी कंपनी का नाम है एस एस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, तो मैं यहाँ पर एस एस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज टाइप कर दूंगा। उसके बाद अगर मेरा जो भी एड्रेस या जो भी ब्लॉक नंबर है वो डाल दूंगा, ब्लॉक बी, स्ट्रीट नंबर 2, ठीक है। एरिया जो भी आपका एरिया हो वो टाइप कर दीजिए, साथ से टाउन, ठीक है, दिल्ली, आपके जो भी पिन कोड हो वो टाइप कर दीजिए, आपकी मेल आईडी, और उसके बाद अपना स्टेट कोड, इंडिया कोड, और फिर आपका टेलीफोन नंबर हो तो टाइप कर दीजिए, अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। फैक्स नंबर है तो दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बताइए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में करते क्या हैं? आप सीए फर्म है, चार्टेड अकाउंटेंट है, इंडिविजुअल है, क्या हैं आप? जो भी आपको यहाँ बता देना है कि मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ या मैं एक इंडिविजुअल, तो यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी टाइप क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो डाल दी, मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं इंडिविजुअल डाल दूँ। आपका जो भी परमानेंट अकाउंट नंबर है वो टाइप कर दीजिए, ठीक है। आईटी रेंज क्या है, वार्ड नंबर क्या है, आपका जो भी वार्ड नंबर हो वो टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपने कोई टीडीएस अप्लाई कर रखा है, आपका टैन नंबर है, अगर टैन नंबर है तो वो अप्लाई कर दीजिए, मेरे पास टैन नंबर नहीं है, ठीक है। कह रहा आपके पास जीएसटीएन नंबर है, लेकिन यहाँ देखो मैंडेटरी लिखा हुआ है, अगर आप टीडीएस का काम करना चाहते हैं तो आपके पास टैन नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास टैन नंबर नहीं होगा तो आप यहाँ पर लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टैन नंबर अप्लाई कर देता हूँ, डी ई एल एस 48901 सी, क्लियर है। इसकी आईटी रेंज क्या है जो भी वो डाल दीजिए, अगर आपकी फर्म का जीएसटी नंबर है तो वो टाइप कर दीजिए, क्लियर है। आपका डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अगर आप रिस्पॉन्सिबल होकर अपनी डिटेल डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या है कंपनी के वो टाइप कर दीजिए, मैं डायरेक्टर, तो डायरेक्टर आपका फादर नेम, जो भी आपके फादर नेम हो वो टाइप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका परमानेंट अकाउंट नंबर,
जो ऊपर मैंने गिवन है रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, आप वो टाइप कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद नेम या बिल्डिंग जो भी वो टाइप कर दीजिए। मैंने फ्लोर डाल देता हूँ सेकंड फ्लोर, ब्लॉक बी। देन आपका डिवीजन या एरिया क्या है वो टाइप कर दीजिए। मैं दिल्ली रख के फटाफट सेव कर देता हूँ, स्टेट दिल्ली। ठीक है, आपका टाउन दिल्ली लिख दीजिए। उसके बाद आपका स्टेट कोड 91, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का वो 00 बनाकर इसका लैंडलाइन नंबर है तो वो टाइप कर दीजिए। मैं अपना वही टाइप कर देता हूँ, 658797। ठीक है, पिन कोड सेम और मोबाइल नंबर। उसके बाद इसकी मेल आईडी, जो भी आपकी मेल आईडी है तो वो टाइप कर दीजिए। क्लियर है? इसके बाद अगर आपको यहाँ कोई चीज बतानी है एसएससी, अपने यूजर नेम पासवर्ड तो डाल सकते हैं, फिलहाल मुझे डालने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा फिल यूजर नेम, तो आप अपने लॉगिन आईडी, जब भी इस कंपनी को खोले तो आपको यूजर पासवर्ड डालना पड़े, तो मैं एडमिन यूजर नेम डाल रहा हूँ और पासवर्ड भी मेरा एडमिन है, डाल के मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करा मेरी एक कंपनी बन गई प्रॉपरली। क्लियर है? कंपनी बन गई। उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे और जैसे ही करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपका यूजर नेम पूछेगा, आप यूजर नेम टाइप करेंगे। फिर आपकी अगर जो जितनी भी कंपनियां होंगी आपके यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप कौन सी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर रखना चाहते हैं, मैं 1819 का रखना चाहता हूँ, मैंने डाल दिया। और इसको डेमो पर क्लिक करके लॉग इन कर दिया। जैसे ही लॉग इन करके क्लिक करा तो मेरे पास आप टीडीएस का वेब टीडीएस ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा सबसे पहले देखिए पूरा डिजाइन किया गया है वेब के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ बताया भी गया है कि अगर आप वेबटेल में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल आए हैं तो सबसे पहले आपको क्रिएट मास्टर करना है। ठीक है, उसके बाद आप किस तरीके से इसका प्रोसेस कर सकते हैं। आज हमने खाली वेबटेल में कंपनी बनाना सीखा है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम वेबटेल के अंदर सेक्शन वाइज हम काम भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।